गत 26 अप्रैल 2019 को स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन डिपार्टमेंट द्वारा बर्नपुर क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजित इंटर डिपार्टमेंट T12 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018-19 में सेंट्रल प्लांट की टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की। इस टूर्नामेंट के फाइनल में USM तथा सेंट्रल प्लांट के बीच कड़ी टक्कर हुई। इस टूर्नामेंट में ISP के विभिन्न विभाग के कुल 32 टीम ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच के दिन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे ED वर्क श्री AK सिंह, EDP एंड श्री CS सिन्हा, EDMM श्री SP सिंह, इनके अलावा विभागीय महाप्रबंधकगण, अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीगण तथा स्पोर्ट्स विभाग के सदस्यगण भी उपस्थित थे। उपस्थित मुख्य अतिथियों ने अपने अपने वक्तव्यों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तदुपरांत दोनों दलों के खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट का चैंपियन बनने की होड़ में अपने विरोधी दल के खिलाफ हाईएस्ट स्कोर बनाने की कोशिश करते नजर आए, जिनमें USM ने 12 ओवर में 6 विकेट खोकर 77 रन बनाए। वहीं सेंट्रल प्लांट ने 10 ओवर एक बॉल में 3 विकेट खोकर 81 रन बनाते हुए 7 विकेट से USM की टीम को मात दे दी। अंत में GMP&ST KVR राजू ने सभी ऑफिशियल्स को उपहार प्रदान किए। वहीं मुख्य अतिथि श्री सिंह ने बेहतर बल्लेबाज एवं गेंदबाज खिलाड़ी को तथा श्री सिन्हा एवं श्री सिंह ने विनर टीम सेंट्रल प्लांट को एवं श्री SP सिंह ने मैन ऑफ द मैच तथा रनर सब टीम USM को ट्रॉफी प्रदान किए। इस खेल की शुरुआत 3 अप्रैल 2019 को हुई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे GM प्रोजेक्ट श्री AK भट्टा, DGM PL वर्क श्री ME शमसी, इनके अलावा अन्य उच्च स्तरीय अधिकारीगण भी उपस्थित थे। इस दिन पहली खेल पर्सनल तथा मेडिकल विभाग के बीच हुई। प्रारंभ में मुख्य अतिथियों ने दोनों दलों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला बढ़ाया। तदुपरांत मुख्य अतिथियों के द्वारा पहली गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी के द्वारा खेल प्रारंभ हुई। कामकाज से थोड़ा हटकर खेल कूद करना शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना है, जिससे सोचने एवं समझने की क्षमता में वृद्धि के साथ साथ मानसिक एकाग्रता के साथ कार्य करने की शक्ति भी मिलती है। इस दिन स्पोर्ट्स विभाग एवं BCC के सदस्यगण भी उपस्थित थे।